बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामी माशियात की असाइनमेंट नंबर 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो क्वेश्चंस आपको मैंने इस असाइनमेंट में दिए हैं उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सरफ़ दौलत से मुतालिक है, जो सरफ़ दौलत वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है रवैया सारिफ का, उसके हवाले से इस्लाम में असूल एतदाल की मौशी अहमियत बयान करनी है। यानी जो फोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें से सरफ़ दौलत एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या और उस के मुतालिक इस्लाम का असूल एतदाल है कि मियाना रवि या एतदाल को कैसे सरफ़ दौलत में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस इस्लाम के इस असूल की मुआशी अहमियत बयान करनी है कि अगर हम असूल एतदाल को सरफ़ दौलत पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी सरफ़ दौलत असूल एतदाल के तहत करते हैं, तो उसके नतीजे में मईशत में क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, उसकी अहमियत को बयान करना है। इस पार्ट के 10 नंबर हैं, 10 नंबर के एतबार से आपने ये करना है। दूसरा हिस्सा भी रवैया सारिफ से ही मुतालिक है। पहले आप सरफ़ दौलत से मुतालिक बता रहे हैं और दूसरे में आप रवैया सारिफ का नज़रिया बयान कर रहे हैं। नज़रिया रवैया सारिफ आपने कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, वो कदरे मुख्तलिफ है, जबकि इस्लामी मईशत में नज़रिया रवैया सारिफ मुख्तलिफ अंदाज में बयान होता है। जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि इखलाकी इकदार की अमलदारी होती है हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में होती है, इसी तरह से मईशत के शोबे में भी होती है, और मईशत की हर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें भी जो इखलाकी इकदार है उनकी अमलदारी होती है। तो जो नज़रिया रवैया सारिफ है, जब उसे हम इस्लामी मईशत के तनाजुर में बयान करेंगे तो वो मुख्तलिफ होगा, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारिफ के वो मुख्तलिफ होंगे। डायग्राम के ज़रिए भी आपने सारिफ का तवाज़न जो है वो वाज़े करना है कि किस तरह से आमदनी और सर्फ के साथ जो है वो सारिफ जो है वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाली जो डायग्राम्स आपको मैंने करवाई हुई हैं उसके अंदर से आपने फिर ये डायग्राम बनानी है कि किस तरह से सारिफ एक इस्लामी सारिफ जो है वो किस तरह से तवाज़न हासिल करता है इस्लामी मईशत में। तो ये 15 नंबर का हिस्सा इसका पोर्शन है, तो टोटल ये 25 मार्क्स के आपके दो पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।